हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जे एस एस सी सीजल एग्ज़ाम का VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला दोस्तों। क्वेश्चन को छांट छांट के लाए हैं दोस्तों, और लगभग 15 से 16 क्वेश्चन होगा और बिना ऑप्शन का है। आधे दो तीन सब क्वेश्चन को आप बना लेते हैं दोस्तों, तो यकीन माने दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रखने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिना ऑप्शन से आप बना रहे हैं, इसका मतलब कि तैयारी जबरदस्त है। करंट का पार्ट है, करंट का क्वेश्चन है ये, और SPDs का कुछ कुछ क्वेश्चन मिला अच्छा अच्छा जो को लगा कि आपको देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ जुड़े हैं तो कुछ भरोसे के साथ जुड़े हैं ना, ताकि आप अच्छा चीज़ मिल सके, इसलिए सोचें चलो आपको दे देता हूँ इस चीज़। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम छांट के लाए हुए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चैलेंज वाला प्रश्न दोस्तों, बन गया तो मान लो आपका तैयारी जबरदस्त है, इसका कोई दोहरा नहीं है। ठीक है, और हो सके तो ये वीडियो 2023 का अंतिम वीडियो हो सकता है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ना आ जाए बाद में। ठीक है, शाम तक कोई अपडेट आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये अंतिम वीडियो 2023 का होने वाला है। बस अंतिम वीडियो समझ के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो करना ही करना है, और एग्जाम तक बने रहिए, फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, पूरा पूरा फायदा मिलेगा। बस एग्जाम तक जुड़े रहना है, एग्जाम के बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों एग्जाम तक कम से कम बने रहिए, शायद कुछ भला हो जाए, शायद मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, एग्जाम के बाद जितने भी लड़का लोग जुड़े अनसब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों करते हैं, देखते हैं कितना लोग बना पाता है कुछ। हालांकि आंसर मैं साथ में लिखा लूँगी, आपको समझ अपने आप पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको कितना हेल्पफुल करने वाला है। सो ठीक है, देख लीजिए अभी खुद ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और टेलीग्राम में भी जुड़ के रहिएगा, टेलीग्राम चैनल JSSC वाला करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों सबसे पहली बात है ओमेन एशियन चैंपियनशिप, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ओमेन एशियन चैंपियन 2023 कहाँ पे किया गया था, आयोजन कहाँ था, तो अपना झारखंड में हुआ था। ठीक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना भी क्वेश्चन था सर इंपॉर्टेंट है। ओमेन एशियन चैंपियन 2023 कहाँ हुआ था, इसका मस्कट पूछ सकता है दोस्तों, तो इसका मस्कट क्या जूही नाम आता है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में हुआ था इसलिए आपको मस्कट पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना आपको जूही इसका मस्कट है। ओमेन एशियन चैंपियनशिप 2023 झारखंड में हुआ था, मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, चलिए एथोरियम फेस्टिवल बताइए, पूछ देगा एथोरियम फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ इस बार, इस बार का वहीं पे होता है, मतलब एथोरियम फेस्टिवल कहाँ हुआ, मिजोरम। कहाँ दोस्तों, एथोरियम फेस्टिवल मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए वाला, इसमें क्वेश्चन है, देखिए कंट्री का टॉलेस्ट 418 फीट, कितना याद रखना, 418 फीट का झंडा अपना जो नेशनल फ्लैग इंडिया का, वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे उद्घाटन लगाया गया दोस्तों, याद है कि 418 फीट का, तो अटारी बाघा बॉर्डर, आप लोग सुने होंगे अटारी बाघा बॉर्डर, पता है पंजाब में अटारी बाघा बॉर्डर। ठीक है, आप गए होंगे वहाँ, बहुत अच्छा है दोस्तों, शाम का जो वहाँ पे परेड वगैरह होता है बहुत अच्छा लगता है देखने में, कभी मौका मिलेगा जरूर जाइएगा। ठीक है, अटारी बाघा बॉर्डर अमृतसर से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूरी पर है, लेकिन मज़ा आ जाएगा देख के वहाँ। ठीक है, 418 फीट का भारतीय झंडा लगाया गया दोस्तों, तो आपको पता है इसका उद्घाटन कौन किया, एग्जाम में तो भाई आ जाएगा तब नरेंद्र मोदी मारिएगा आप लोग, ठीक है, या फिर रक्षा मंत्री जोशी को मारिएगा, लेकिन दोस्तों आपको याद होना चाहिए नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आप फंस सकते हैं आप लोग। ठीक है, वर्ल्ड का कंट्री का टॉलेस्ट 418 फीट नेशनल फ्लैग एट अटारी बाघा बॉर्डर का उद्घाटन किसने किया, जैसे नितिन गडकरी ने किया दोस्तों, नितिन गडकरी पता ही है, जो रोडवे हाईवे मिनिस्टर वही है, बहुत अच्छा नेता है दोस्तों, हमको सबसे बड़े नेता लगता है नितिन गडकरी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा ईमानदार टाइप का है, चलिए जो भी है। गांधी बुनकर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, गांधी बुनकर मेला। ठीक है, गांधी बुनकर मेला ये कहाँ आयोजित 2023 में, कोलकाता में, गांधी बुनकर मेला 2023 कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर किस कंपनी को दिया गया, ऑप्शन दे देगा, जैसे मारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है, PSU कंपनी होता है, जैसे NTPC दे देगा, ONGC दे देगा, IOCL दे देगा, BPCL दे देगा, ऑप्शन 4 दे देगा, और बोल देगा बताइए वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 किसे दिया गया है, तो NTPC। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पता है कि नहीं, NTPC पता है कि नहीं, बहुत अच्छा PSU कंपनी दोस्तों NTPC, तो याद रखिएगा बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, JSSC सीजल के लिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं मतलब ये। ठीक है, हो सके यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत का पहला वेटलैंड सिटी आर्द्रभूमि सर, भारत का पहला कौन किसे बनाया गया बताइए, भारत का पहला वेटलैंड सिटी आर्द्रभूमि शहर किसे बनाया गया दोस्तों, तो याद रखना है उदयपुर, क्या नाम है इसका, उदयपुर इज द राइट आंसर। चलिए, हरिमऊ शक्ति अभ्यास, एक अभ्यास से क्वेश्चन बनेगा, तो एक है इंपॉर्टेंट अभ्यास, हरिमऊ शक्ति अभ्यास बताइए, इंडिया और मलेशिया, हरिमऊ मतलब बताइए, हरिमऊ इंडिया एंड मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति का अभ्यास किया गया। ठीक है, हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा हट के थोड़ा है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हरिमऊ शक्ति खुद अभी हाल ही में हुआ है। चलिए, एक और हमें
पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है दोस्तों जो कि जानना जरूरी है। अबाबिल मिसाइल नाम पूछ देगा और गौरी मिसाइल पूछ देगा कहाँ का मिसाइल है ये, कहाँ पे टेस्ट किया गया इसको। अबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल तो याद रखना दोस्तों पाकिस्तान में, ठीक है, पड़ोसी देश है, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल कहाँ का है, पाकिस्तान में टेस्ट किया गया, ठीक है। एक ऑटोबायोग्राफी से नाम याद रखना है, ठीक है। लायन दैट ड्रैंक द मूनलाइट, ये ऑटोबायोग्राफी किसका, एस सोमनाथ का है, किसका, लायन दैट ड्रैंक द मूनलाइट, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में यही लिखा जाता है लायन दैट ड्रैंक द मूनलाइट, तो ऑटोबायोग्राफी किसका दोस्तों याद रखना है, सोमनाथ का है, किसका है, सोमनाथ का है, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया इसको, हरी सिग्नल मिल गया, तो आपको पूछ देगा जमरानी बांध परियोजना कहाँ पर है, उत्तराखंड। जमरानी बांध परियोजना, जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2023 से रिलेटेड, ठीक है, जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड, ठीक है ना। चलिए शीला टनल, शीला टनल सुरंग जिसको बोलते हैं, बताइए कहाँ से है, लद्दाख जम्मू कश्मीर मत मारिएगा, आंध्र प्रदेश मारना, ठीक है, शीला टनल आंध्र प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। याक चुरपी, ये दोस्तों याक चुरपी आपको पता है जीआई टैग मिला है, ठीक है, क्या नाम है, याक चुरपी जीआई टैग मिला, ठीक है, ये कहाँ का है, तो कहाँ का जीआई टैग मिला, अरुणाचल प्रदेश का, ए पी मतलब अरुणाचल प्रदेश, ए भी अरुणाचल प्रदेश का और शीला टनल भी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइए 35% रिजर्वेशन, कितना 35% रिजर्वेशन मिला है वोमेन को इन गवर्नमेंट जॉब में, कौन सा स्टेट ने ये बिल दिया, बताइए 35% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, कौन सा राज्य सरकार ने दिया है, तो मध्य प्रदेश का राज्य सरकार, ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य सरकार, अपना मामा, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान थे, अब तो चेंज हो गए हैं, ठीक है दोस्तों, अब तो चेंज हो गए, ठीक है, तो याद रखना है एमपी इसका राइट आंसर होगा। एक और जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हुआ दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ था, कहाँ पे हुआ, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं मानिए, उत्तराखंड, ये हमारे झारखंड, सॉरी हमारे भारत का है। वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन उत्तराखंड, जिसको ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, सबसे पहले पूछ देगा कि वर्ल्ड का डिजास्टर मैनेजमेंट जो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे किया गया इस बार, तो उत्तराखंड में किया गया। अच्छा, वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो अमिताभ बच्चन को, किसको, अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, फर्स्ट एशियन, एशियन में मतलब एशिया में पहला व्यक्ति है जिसको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिएंडर पेस को मिला है, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम पहला एशियन का नाम बताया, इसको नॉमिनेट इस बार किया गया है लिएंडर पेस, लिएंडर पेस इज द राइट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ऐसे पॉइंट में दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, स्टैचू जो लगाया गया है बी आर अम्बेडकर को, कहाँ लगाया गया इस बार, तो अमेरिका में लगाया गया, ठीक है, मूर्ति अमेरिका, याद रखना है, बी आर अम्बेडकर बोलेगा तो अमेरिका मारना ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलेगा और गांधी जी को बोलेगा, या तो रविंद्रनाथ टैगोर पूछ सकता है या फिर गांधी जी का पूछ सकता था, वियतनाम, ठीक है, एस जयशंकर ने इनॉग्रेशन किया वहाँ पे, ठीक है, कौन, एस जयशंकर, याद रखना है। बी आर अम्बेडकर बोलेगा तो कहाँ मारना है, अमेरिका मारना है, बी आर अम्बेडकर बोलेगा तो कहाँ मारना है, अमेरिका मारना है, रविन्द्रनाथ टैगोर बोले या फिर महात्मा गांधी का मूर्ति बोले तो कहाँ पर, वियतनाम में, ठीक है, कहाँ पर, वियतनाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लगभग कितना 15 और 2 पॉइंट, मतलब 17 चीज़ें पॉइंट आपको दिए हुए, ठीक है, आप देख लीजिए, आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आप वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट होंगे तो इस क्वेश्चन को वाकई में लाइक कीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, आपको लग रहा है वाकई में इंपॉर्टेंट, जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि ठीक है ऐसा ही है, ऐसा ही वीडियो दीजिए आप लोग, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम तक मिलेगा, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, एग्जाम तक जुड़िए कम से कम, ठीक है, फायदा ना होगा तो फिर बताइएगा हमको, ठीक है ना, फायदा डेफिनेटली होगा भाई, क्यों नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में लाएंगे, और क्योंकि करंट अफेयर ध्यान देना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर लगभग 10 क्वेश्चन मिनिमम मांग के चलिए आप लोग, ठीक है, बहुत 10 क्वेश्चन बहुत होता है भाई, 10 या 30 समझ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर अच्छा काम बन गया ना आपका ना, तो बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ा बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं ना कि 30 क्वेश्चन में आदि मान लो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर ही पूछ देगा, तो सोचिए कितना बड़ा वेटेज है करंट अफेयर का, तो 2023 का बढ़िया से कर लीजिए ना, उसका 20 क्वेश्चन में यार उसमें साइंस, उसमें क्या बोलते हैं, जी ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, कुछ भी बहुत कुछ रहेगा उसमें, लेकिन एक अलग से करंट अफेयर 10 क्वेश्चन मायने रखता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर में अच्छा खासा, बाकी चलिए जो भी दोस्तों
वीवीआई क्वेश्चन है जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और 2023 का अंतिम वीडियो हो सकता है, चांसेस है यही अंतिम वीडियो, क्योंकि संडे है, संडे को कोई जैसे की तरफ से अपडेट तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ आ जाए तो फिर देंगे आपको, नहीं तो फिर अंतिम वीडियो है, बस इसको अंतिम समझ के इसको दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी 2024 में एंट्री करेंगे, उसका जबरदस्त तरीका से 20 दिन का समय बचेगा, उसका जबरदस्त तरीका से काम किया जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट होगा, सिलेक्शन हो जाएगा अगले साल 2024 का अंतिम, 31 दिसंबर 2024 का धूमधाम से मनाइएगा अपना ऑफिस में, ठीक है। बस मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो और 2024 वाला अपना ऑफिस में नया साल अपना ग्रुप दोस्त यार के साथ कहीं पिकनिक मनाने के लिए कहीं और जाए, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा तब ने, खाली हवा हवाई सपना देखे थोड़ी होगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।